So, तो मैं तैयार हूँ और आज है बकरीद एंड टू ऑल माई फ्रेंड्स बकरीद के शुभेच्छा. और आज मैं जाने वाला हूँ रानी रासमोनी घाट के तरफ. मेरी छुट्टी है तो थोड़ा तो घूमना बनता है. और आज मैं राइड करने वाला हूँ दिस वन. वेट, मैं तो साइकिल चलाने वाला हूँ तो ग्लव्स पहन के क्या करूँ. वेट, सो तो अभी मैं ग्लव्स उतारने वाला हूँ. वन टू एंड थ्री. तो मैंने अपना ग्लव्स उतार लिया है और मैं अभी अपना पापा जी का VSA साइकिल से घूमने जाने वाला हूँ. राइड होगा अबाउट 7.5 किलोमीटर का और ये बहुत ही पुराना साइकिल है, मेरे पैदा होने से भी पहले का साइकिल है. तो आज मैं इसे जाने वाला हूँ. जरा हवा चेक कर लूँ, पीछे वाले टायर में थोड़ा हवा कम है और सामने वाला टायर ठीक ठाक है, थोड़ा फिर भी मैं भर लूंगा हवा. तो भर लेते हैं हवा. बहुत ही खराब रोड है यहाँ पर. मेरा एक दोस्त, पहले बार इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो इसका, मेरे दोस्त का नाम है बाबिन, एक्चुअली मेरा भाई है बाबिन, इसका अच्छा नाम प्रियम दत्त है. और हाँ, और हम दोनों एक ही तरह के देखते हैं, एक ही तरह के नहीं है हम दोनों. और ये हमारा यहाँ का बहुत खूबसूरत सा एक पार्क, नया नया बन रहा है और चलते हैं. और साइकिल से वीडियो करने का एक ही और एक एडवांटेज है, मैं एक हाथ से साइकिल चलाते हुए आसानी से वीडियो बना सकता हूँ. ओ एक मिनट, पीछे जो है वो है आशोत्तम ठाकुर बाड़ी. वो पहले वाला मेरा एक पहला वीडियो था वहाँ का, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा. तो अब जो लोग नहीं देखे हो वो फिर से एक बार वो वाला वीडियो चेक कर लीजिए. चलते हैं. और ये आगे है हमारा GT रोड और ये है ठाकुरबाड़ी बस स्टैंड और हम लेफ्ट लेने वाले हैं. एंड लुक एट दिस द अमेजिंग व्यू. बहुत ही खूबसूरत सा एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे आदि सप्तग्राम में. और अभी हम है आदि सप्तग्राम स्टेशन रोड, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड का, बहुत ही खराब हुआ करता था, अभी ठीक हो गया है. आदि सप्तग्राम रेलवे स्टेशन और इसके नीचे से हम जाने वाले हैं. और साबोए में बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा पानी होता है, ऊपर से. और हम फुटपाथ से जा रहे हैं. और लुक एट दिस, बारिश के मौसम में इसका हाल ऐसा ही रहता है. हाँ, साइकिलिंग करना बहुत सेहत के लिए अच्छा भी है और बहुत ज्यादा धूप भी है. वैसे मेरा फिटनेस लेवल बहुत ही ज्यादा घट गया है बाइक चलाते चलाते. देखो इसका भी पेट निकल गया है, देखो.
तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वीडियो के बीच में ही बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा मैं कभी नहीं बोलता था, तो अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बोल सकता हूँ। पहले मैं तो बाइक में साथ जाता था तो बोल नहीं पाता था, बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता था। और ये है सप्तग्राम पंचायत, और ये है मीठा पुकुर मोड़, आगे है असम रोड और हम लेने वाले हैं लेफ्ट। दिस इज रोटरी आई हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा एक आई हॉस्पिटल है। मैं यहाँ से ही मेरा चेकअप करवाता हूँ। और भाई ये देखो हमारा सच्चे भारत अभियान का हालत, लुक एट दिस गार्बेज, आओ रोड के पास में छोड़ दिए हैं। बकेट का पार्टी चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से मैसेज भेजा हुआ है, लेकिन देखो सुनता कोई नहीं, एक बाइक में तीन आदमी। दादा आपसे तो कथा बोल। हाँ बोल। यही तो बड़ा बड़ा मोड़। ठीक है ठीक है, वो रुकते हैं। तो मेरे भाई का फोन किया, वो लेट हो गया है और हम लोग को रुकने के लिए बोल रहा है, और अभी हम आगे जा रहे हैं। तो सामने हावड़ा काटुआ रेलवे के ऊपर से एक ब्रिज है, तो थोड़ा चढ़ाई है, तो हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर ऊपर, तब हम निकलने वाले सामने आने वाला है ईश्वर गुप्त सेतु, यानी ईश्वर गुप्त ब्रिज, जो कनेक्ट करता है नदिया और हुगली को। अबे कोई टन के ज्यादा की व्हीकल यहाँ से जाना मना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है, स्पीड लिमिट 15 है। हमारे साइकिल को पुल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अब भैया आगे एक स्पीड ब्रेकर भी लगाया हुआ है, एक तो स्पीड बन नहीं रहा है उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर। एंड लुक एट दोस प्लास्टिक डिवाइडर, सारे के सारे एकदम पिचक गए हैं। तो ये है भागीरथी हुगली, और मेरा सीट गिर गया। पप्पा का साइकिल। भागीरथी हुगली नदी, और नीचे जो दिख रहा है वो वाला पार्क है, हम शाम को यहाँ पर बैठते हैं यहाँ पर। और हमारा बहुत ज्यादा कसरत हो रहा है भाई, पैर मेट से टान भी फिर हो रहा है। रिजल्ट में बोले कल जिम करेछी, प्रैक्टिस करेछी, पागुलो फेटे जाने का।
So, वहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है वहाँ पर वो वाला मंदिर में हम जाने वाले हैं लेकिन आपका नाम क्या है शुभ्रो शुभ्रो हमारा नया दोस्त अबाउट 5 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर लिए हैं और हम सब अभी रेस्ट ले लिया है यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पी लिया है भाई उठो चलो हम आ गए हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट पर कल्याणी के यहाँ और वहाँ से हम जाने वाले हैं हालीशहर की तरफ रानी रसमणि के घाट आई थिंक आप सबको रानी रसमणि के बारे में सब कुछ पता है अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता आप गूगल कर लीजिए पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है क्या नहीं लेकिन वहाँ पर चांद दिख रहा है वाओ लुक एट दिस लुक एट दैट क्लाउड वाओ वी हैव टू टेक द राइट फॉर हरिशहर Obey the traffic signal. चलो तीन हो गया है so There is a statue of Rani Rasmoni. So this is where Rani Rasmoni ka statue aur hum jaane wale hai us road ki taraf Ghat road ki taraf. So let's go. तो हम लोग पहुंच गए हैं रानी रसमणि के घाट और सामने एक खूबसूरत सा मंदिर है हम वहाँ पर जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ना लुक एट दिस पूरे दक्षिणेश्वर मंदिर की तरह वो बनाया गया यू कैन कॉल इट रेप्लिका ऑफ दक्षिणेश्वर रेप्लिका ऑफ दक्षिणेश्वर और ये है एक बहुत ही खूबसूरत झूलन
नेक्स्ट टाइम किसी भी मंदिर से आने से पहले ये पहनना जरूरी नहीं। बहुत पहली बात है। बहुत ही चैन से सो रहा है देखो। बहुत ही खूबसूरत है। चल शिवलिंग एंड लुक एट दैट अमेजिंग व्यू। सो दिस इज काली माता। तो यहाँ पर खत्म करते हैं अपना वीडियो। आज हम लोग करीब 10 किलोमीटर साइकिल से यहाँ पर आए हैं और मेरा भाई अभी भी फोन में बिजी है। भाई आ जाओ ना, भाई बाय कर देते हैं उसके बाद। तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।